Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Vivo X200 Pro Mini, जो हाल ही में लॉन्च हुआ फ्लैगशिप फोन है. Fast refresh rate, AMOLED display, flagship processor, compact in design, fast charging and many more. दोस्तों आज मैं Vivo X200 Pro Mini का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो हाल ही में लॉन्च हुआ है. मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट. और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के सबसे पहले अनबॉक्सिंग हमारी ही चैनल में देखने को मिलते हैं. तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं. तो ये है Vivo X200 Pro Mini का ब्लैक कलर में बॉक्स. बॉक्स के ऊपर फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है. Vivo ने एक सीरीज में मिनी वेरियंट पहली बार लॉन्च किया है. बॉक्स के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं और ये 16GB रैम 1TB स्टोरेज वेरिएंट है और ये व्हाइट कलर ऑप्शंस में मिलता है. बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले फोन ही मिल जाता है. बॉक्स का बाकी का कंटेंट देखें तो ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव केस और यूजर मैनुअल और ये है 90W का पावर एडेप्टर जो टाइप ए के आउटपुट के साथ आता है. व्हाइट कलर में टाइप सी टू टाइप ए डेटा केबल मिल जाएगा और सिम इजेक्टेड टूल भी मिलता है. फोन के प्लास्टिक रेप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड की. तो फोन का फर्स्ट लुक काफी अट्रेक्टिव लगता है और ये एक व्हाइट कलर है. फोन के बाकी के कलर्स भी मैं आगे डिटेल में दिखाने वाला हूँ और ये व्हाइट कलर एक्चुअल लुक में ऑफ व्हाइट जैसा लगता है. फोन साइज में काफी कॉम्पैक्ट है. फोन की फ्रेम एल्यूमिनियम एलॉय की बनी है और फ्रेम फ्लैट मिल जाती है. फोन का बैक एजी मैट ग्लास से बना है और इस ग्लास में रिफ्लेक्टिव टेक्सचर्ड मिल जाते हैं. विजुअली देखें तो बैक ग्लोसी लगता है लेकिन एंगल चेंज करने पे ये मैट फिनिश फील देता है. और यहाँ पे भी Vivo X200 Pro की तरह सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा जो बम्पी है. इस कैमरा मॉड्यूल में 3 कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं और सेंटर में ज़ाइस का लोगो मिलता है और फ्लैश आउटर एरिया में मिल जाएगी. फोन में स्क्रीन देखे तो फ्लैट मिल जाती है और ये माइक्रो कर्व्ड भी नहीं है. ये प्योर फ्लैट डिस्प्ले है और बैक भी फ्लैट मिल जाता है. वैसे ये iPhone 16 Pro जैसा कॉम्पैक्ट है. आप यहाँ पे दोनों फोन्स की कंपैरिजन देख सकते हैं. iPhone 16 Pro का वेट करीब 199 ग्राम्स का है लेकिन Vivo X100 Pro Mini का जो वेट है वो 187 ग्राम्स का ही है और थिकनेस भी 8.15 मिलीमीटर तक पतली है. और ये काफ़ी हैंडी भी है. सिंगल हैंड से होल्ड करने में कम्फर्टेबल फील मिल जाएगी. फोन को कर लेते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले ओरिजिन OS 5 देखने को मिलता है जो एंड्रॉयड 15 बेस्ड है. यहाँ पे iPhone 16 Pro के साथ बेजल्स की कंपैरिजन भी देख सकते हैं तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर बेजल्स मिल जाती है. बहुत ही पतली बेजल्स है लेकिन इस प्रो मिनी वेरिएंट में बॉटम बेजल्स लाइटली ही बड़ी देखने को मिलेगी. तो दोस्तों आपको Vivo X200 Pro Mini की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आप यहाँ पे Vivo X200 Pro के साथ भी कंपैरिजन देख सकते हैं. दोनों फोन्स का ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. दोनों में इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर Dimensity 9400 ऑक्टा कोर मिलता है जो 3nm प्लेटफॉर्म पे बना है. फोन में एंटूटू रनिंग स्कोर भी 3 मिलियन के ऊपर मिल जाता है जो मैं कल डिटेल रिव्यू के वीडियो में बताने वाला हूँ. इन दोनों फोन्स में मेन कैमरा तो सेम ही मिल जाते हैं. 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT818 सेंसर मिल जाता है और ये ब्रांड न्यू सेंसर है. 1x1.28 इंच की सेंसर साइज के साथ आता है और F1.57 का एपेचर मिल जाता है. एज पर ब्लू फैक्ट्री इस सेंसर से सेम 1 इंच सेंसर साइज जैसी ही फोटोज मिलती है. बाकी दोनों में स्क्रीन टेक्नोलॉजी भी सिमिलर मिलती है. एमोलेड डिस्प्ले है. 1080p टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिल जाता है. सेम 4500 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस मिलेगी और 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग फीचर भी मिल जाता है. और फोन में IP68 एंड IP69 वाटरप्रूफ रेटिंग भी मिलती है. एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी मिल जाती है. NFC सपोर्ट भी मिलता है. तो दोनों ही मॉडल में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन तो भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मिल जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिलता है. सो द बैटरी कैपेसिटी नॉट द सेम. X200 Pro में 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और X200 Pro Mini में 5700 mAh की बैटरी मिलती है. वैसे बैटरी कैपेसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बैटरी सिर्फ 300 mAh ही कम है लेकिन साइज में बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. दूसरा सबसे बड़ा चेंज है पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा का. Vivo X100 2 Mini में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 सेम टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो X100 Pro में मिलता था और यही कैमरा Vivo X200 में भी है लेकिन Vivo X200 Pro में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है. और दोनों टेलीफोटो कैमरा की सेंसर साइज भी डिफरेंट है. बाकी दोनों फोन्स में चार्जिंग स्पीड भी सेम मिलती है. 90W का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है. आप यहाँ पे X200 Pro Mini के बाकी के कलर वेरिएंट भी देख सकते हैं. व्हाइट, पिंक एंड ब्लैक एंड ग्रीन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं. स्पेशली व्हाइट कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. दोस्तों मैं कल Vivo X200 Pro का डिटेल व्यू अपलोड करने वाला हूँ जहाँ पे कैमरा टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट डिटेल में देखेंगे.
सबसे पहले रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको Vivo X200 Pro Mini की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज़ और अगला गिवअवे सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। कीप स्माइलिंग। Grab a slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken.